अब मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप लोग जानते होंगे। जवाब नहीं। देखिए आप लोग जानते होंगे ये 5000 से पुरानी लड़ाई है, ये आज की लड़ाई नहीं है। इसलिए इस लड़ाई को समय समय पे लोगों ने लड़ा है, लेकिन आज जागरूक समाज में जो खराब चीज है वो हटनी चाहिए, जो खराब है वो खराब है। इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से मैं सदन में जरूर ये सवाल पूछूंगा। अरे भाई ये महंगाई इतनी बढ़ेगी कि हम और आप लोग उस पर रहेंगे, वो जो मिल रहा है अनाज। अगले जी एक तरफ टैक्स स्लैब कम किया जा रहा है, दूसरी तरफ महंगाई पे बढ़ाई जा रही है। देखिए आपको हमको ये अनाज देना चाहते हैं 400 रुपए का, 300 रुपए का, और कहते चुप रहिए बस। ये इनका तरीका है काम करने का। लोगों को, गरीबों को ये लगेगा कि अगर हम बीजेपी को नहीं वोट देंगे तो लगता हमारा अनाज छिन जाएगा। लखनऊ का नाम बदला है, हम अगर लखनऊ का नाम बदला जाएगा, गाजीपुर का भी बदलने। अरे लखनऊ के नाम मैं देखिए ये नाम बदलने से टेबल को टेबल कर दोगे, टेबल को कुर्सी कह दोगे क्या? टेबल का काम तो उससे सामान रखने का है, लखनऊ राजधानी रहेगी ना। ये बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। मुझे याद है कि सबसे अच्छा स्टेडियम बनाया समाजवादियों ने, भगवान विष्णु के नाम पर उसको रखा एकाना नाम, उन्होंने अपने नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम रख दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या बीजेपी को उनके नाम पर कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए? ये काम नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जितने प्राइमरी स्कूल हैं, बच्चों को ना स्वेटर मिल पाया, ना जूते मिल पाए, ना खाना टाइम से मिल पाया, बस पुता दिया इन्होंने, स्कूल पोत दिए होंगे, किताबें भी नहीं उपलब्ध करा पाए, रद्दी में बेची जा रही है। और इसी तरीके से स्टेडियम है, लोक भवन है, यहाँ पर कई काम थे गाजियाबाद में। तो ये नाम बदलने वाली सरकार है, इस बार जनता इन्हें बदल देगी। आपको परमिशन नहीं मिल रही ना मुरादाबाद में मिली या बुलंदशहर में मिली, क्या वजह है? देखिए ये कहते हैं कि इन पे अंतर्राष्ट्रीय वो है हवाई अड्डे, इनका विज्ञापन देखिए, बताओ हवाई पट्टी नेताजी ने बनवाई, एक्सटेंशन मैंने की, हमारी सरकार में हुई, और उतरने नहीं दे रहे समाजवादियों को। यहाँ भी सुनने में आया कि हेलीपैड ठीक ठाक था, क्योंकि हमें तकलीफ देनी है समाजवादियों को, तकलीफ हो उनका कार्यक्रम ना हो पाए, किसी से मिल ना पाए, आपसे नहीं मिल पाए। उन्हें तकलीफ ये थी कि आपसे मिल लेंगे, आप पूछोगे हम जवाब देंगे, अब आपको मैनेज करेंगे वो लोग, कुछ मैनेज हो जाएंगे कुछ हम ना चलाएंगे, तो बदनामी तो बीजेपी की होगी ना। किसकी? आवारा पशु। देखिए यहाँ आपको याद होगा ये शहर वो था जिसमें आग लगाना चाहते थे कुछ लोग, जानवर को लेकर के, गाय को लेकर के बड़ा सवाल उठा था, एक इंस्पेक्टर की भी हत्या हो गई थी। बताओ क्या मदद हो पाई उसकी, इंस्पेक्टर की बताइए मदद हुई क्या, जो मदद का वादा किए गए थे? ये बीजेपी के लोग ही कराते हैं, याद रखना, जितना गड़बड़ होगा सब बीजेपी कराएगी।